नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोपला मिर्ची इन पंजाबी स्टाइल इन पंजाबी तड़का। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है कोपला मिर्ची। ये साइज में बड़ी होती है नॉर्मल मिर्ची से। सारी मिर्चों में हमें एक चीरा लगाना है और उसमें से सारे बीज निकालने हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मिर्चें लगभग खाली हो चुकी हैं अंदर से। उसमें से हमने सारे बीज निकाल दिए, ये बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। अभी हम इन मिर्चों को भरने के लिए मसाला रेडी करेंगे। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। ऑनियंस, गार्लिक, टोमेटोस 2 पीसेस और उसके बाद ली ग्रीन चिली, 2 ही ली थी और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देख लीजिए इतना फाइन आप कर सकते हो। हमने लिया यहाँ पे ऑयल, जीरा, उसके ऊपर डाली लाल मिर्च। याद रखिएगा कि लाल मिर्च ज्यादा भुन ना जाए, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। उसके बाद हमने सारा मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देंगे। इसको ऐसे ही हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें डालेंगे नमक 1/4 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको 15-20 मिनट तक पकाएंगे। इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ऐसे दिखने लग जाएगा और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे अच्छे से। और फिर इसको हम कोपला मिर्ची में फिल करेंगे। आप चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से फिल कर सकते हो और इसके बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मिर्ची को भरते समय अगर आपका मसाला बच जाए तो आप एंड में उसको यूज कर सकते हो। हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, सारी कोपला मिर्ची को डाल देंगे ताकि वो अच्छे से फ्राई हो। आपको इनको लगभग 10-15-20 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे और ये काली ना पड़े। ये अच्छे से पक जाएंगी, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको हमें लगभग 10-15 मिनट के लिए पकाना है। कोपला मिर्ची बन गई तो एंड में मैंने जो मेरा बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और आपकी मिर्ची बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ब्रेकफास्ट में आप इसको खा सकते हो, आप इसको लंच, डिनर, एज अ अचार यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बनती है। और मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।